गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 12। जी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 7.2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। सो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरीके से उसमें क्या क्या दिया गया है और हमें किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्री टर्म्स का पता होना चाहिए, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, यूनिट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? इफ अगर इन में एक फ्रैक्शन में भिन्न में द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसका वो वन होगा। ठीक है, जो उसका न्यूमरेटर मतलब मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसके नीचे अगर वन होगा, सॉरी जो न्यूमरेटर है अगर वो वन होगा, ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर वन होगा तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, लाइक फ्रैक्शन है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, अगर सेम डिनोमिनेटर है जैसे 2/3, 4/3, 5/3, तो सेम डिनोमिनेटर है तो इनका ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है 2/3, 4/5, 6/2, इस तरीके से। तो 2 या 4 लगा लो, 5 लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो, ये 7 लगा लो, 7/8, तो इस तरीके से। जब इनके डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, लाइक मतलब देखिए एडजस्ट हो गए, अनलाइक में डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए, यूनिट में अगर न्यूमरेटर अलग है तो वो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन योर बुक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है विच वन इज द यूनिट फ्रैक्शन, उसने बोला है इनमें से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है जो वही आएगा आंसर। विच वन इज यूनिट फ्रैक्शन, तो उसमें से कौन सा वाला यूनिट फ्रैक्शन है? ए पार्ट इसका सही आंसर 1/2, इसके ऊपर जो है ये 1 है और यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो 1 होता है। ओके, विच वन ऑफ द हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन तो इसका सी पार्ट है क्योंकि इसमें 1/3 है, 5/8 है, 4/5 है एंड 2/6 है, इसके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन में सेम आंसर दिया गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है रिंग द यूनिट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग, आपको रिंग द यूनिट फ्रैक्शंस, आपको यूनिट फ्रैक्शन को सबको लगाना है। ओके, ओके, तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें न्यूमरेटर वन होता है? तो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये सभी क्या है? आपके यूनिट फ्रैक्शंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। राइट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। ओके, तो फर्स्ट है आपका 4/7, 2/7, 5/7, 6/7 एंड 3/7। तो देखिए इसके सबके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 7 है, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया आपका। ओके, क्या हो गया आपका? लाइक हो गया। 1/4 नेक्स्ट है आपका, 2/5, 3/2,
नहीं है। ओके, मैंने आपको बता दिया पैटर्न, बता दिया जिस तरीके से करना है, इसको सब मैंने करवा दिया। इसे फिर सब आप अपने आप करेंगे। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीटली क्लियर होनी चाहिए। आप जो हेडिंग है इनको कलर से आउटलाइन कर सकते हैं, सॉरी अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, एंड आपकी राइटिंग बिल्कुल नीटली क्लियर होनी चाहिए। नीचे टॉपिक्स का लिया आपके लिए जो इंट्रोडक्शन लिख पाए या अपने नोटबुक में जरूर राइट करेंगे, बिल्कुल टाइपिंग राइटिंग में। ओके स्टूडेंट।